गाइस, मैं आपका अपना सदाब अली नई वीडियो के साथ आपके सामने। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, बोगोमलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वीडियो पूरा बोगोमलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बेस पे है। इसकी एडवांटेजेस मैं सारी बताऊंगा आज। जो बच्चे मतलब कि इंडिया से आना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट जैसे मैं आया था, मेरे में बहुत क्वेरी थी माइंड में कि मतलब कि कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या है और कितनी दूर है एयरपोर्ट से। मैं सारा आपको क्लियर कर दूंगा आज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई क्लियर कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब कि बोगोमलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। मैं इसकी मेन बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ आज, मोर्फोलॉजी बिल्डिंग इसका नाम है। डीन बिल्डिंग वहाँ है इसकी, दिखा दो भाई डीन बिल्डिंग भी। और तीसरी बिल्डिंग इसकी हाइजीन बिल्डिंग है इस साइड, ये भी दिखा दो हाइजीन बिल्डिंग भी। इसकी तीन बिल्डिंग है इसमें, इस कैंपस में, और इसकी क्लास बाहर भी लगती है। इसकी डिसएडवांटेज बात है, एडवांटेज इसकी सबसे बेहतरीन एडवांटेज तो यह है, एयरपोर्ट से कुल भाई यहाँ से एयरपोर्ट 30 किलोमीटर दूर है, समझ रहे हो, तो आधे घंटे का रास्ता है। सबसे पहली एडवांटेज तो ये बहुत बढ़िया एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज ये है कि बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है यार, बहुत बढ़िया, दिल से बता रहा हूँ भाई। बहुत बच्चे सोचते हैं यार कैसी होगी यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई भी बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात यार ये है कि यार 30 लाख रुपये में MBBS पूरा कंप्लीट तुम्हारा 30 लाख रुपये में हो जाएगा। मैं तुम्हें इसके अंदर ले जाऊंगा, पूरी क्लास दिखाऊंगा, कितने बच्चे एक क्लास में होते हैं, कैसे क्लास लगती है, सब क्वेरीज रहती है कि यार कितनी बड़ी क्लास है, कैसी क्लास है, कितने बच्चे होते हैं क्लास में, ये सब पूछते हैं मुझसे स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा था, वरना और कोई मकसद नहीं था इस वीडियो शूट करने का। डीन बिल्डिंग भी ले जाऊंगा मैं, वहाँ फीस सबमिट होती है, सब दिखाऊंगा कहाँ डीन बैठता है, वाइस डीन कहाँ बैठता है और लैंग्वेज क्लास कहाँ लगती है। चलिए चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या। गाइस अब हम चलते हैं कैंटीन की साइड, दिखा दे कैंटीन की कैसे। हर बिल्डिंग में कैंटीन है भाई, ये बहुत बढ़िया बात है, हर बिल्डिंग में कैंटीन। गाइस ये है स्टोलॉजी डिपार्टमेंट, स्टोलॉजी डिपार्टमेंट जैसा कि हर डिपार्टमेंट के बाहर दिख रहा है कि कौन सी है, ये डिपार्टमेंट है स्टोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी। आराम चलते हैं अंदर, क्लासरूम दिखाता हूँ आपको। शायद बच्चों का एग्जाम है तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर क्लास फ्री होगी लॉन्ग डे क्लास आओ आगे देखिए। ये शायद क्लास होती है क्योंकि एग्जाम चल रहा है। ये देखो कितनी बड़ी क्लास होती है, ये रिस्ट्रोलॉजी की क्लास है। एक्चुअली गाइस यहाँ मतलब ग्रुप वाइज बच्चों को बांट देते हैं, तो एक ग्रुप में 12-13 बच्चे होते हैं, 13-14 स्टूडेंट। तो ये क्लास रूम होती है पूरी, यहाँ बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, क्लास टीचर पढ़ाती है यहाँ बैठ के। और ये माइक्रोस्कोप भी आप देख सकते हो, ये सब है। चलो ठीक है, यहाँ फिजियोलॉजी की क्लास लगती है। तो आज छुट्टी है तो इसलिए ये बंद है, मैंने परमिशन लिए वीडियो शूट करने के लिए, उन्होंने परमिशन मुझे दी है तो इसलिए ये देख लीजिए। गाइस ये है कैंटीन, आइए अंदर से दिखाता हूँ सब कुछ क्या जाएगा। आइए तुम कैंटीन, बहुत बढ़िया बात है भाई, तुम कैंटीन में बैठ के पढ़ भी सकते हो, पढ़ने का बहुत बहुत बढ़िया। बच्चे पढ़ते हैं, पेपर की प्रिपरेशन भी करते हैं। खाली है आज क्योंकि छुट्टी है ना, मैंने बताया था तुम्हें, काफी जुड़ा हुआ पूरा दिखाना है। खाने का सिस्टम भी है, अगर लंच नहीं देखना बच्चे पढ़ रहे हैं। गाइस जैसा कि आपको पता है, बहुत ठंडा है यूक्रेन में, तो
कॉलेज में, पूरे कॉलेज में सेंट्रल हीटिंग लगी हुई है, तो इसलिए पूरा जैकेट वैकेट ना सबमिट करनी पड़ती है, जैकेट से हमको काम चलते डीन बिल्डिंग है, चलते अंदर क्या क्या होता है दिखाता हूँ, फीस कहाँ सबमिट होती है और डीन कहाँ बैठती है, कौन कौन सी क्लास लगती है सब बताऊँगा अंदर, आइए। और फीस फीस सबमिट कहाँ होती है वो भी दिखा, गाइस इस बैंक में फीस सबमिट होती है, तुम अपने आप ही फीस सबमिट कर सकते हो कभी भी आकर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और यहाँ अपने डीन बैठा है, कोई डीन बिल्डिंग दिखा दो, गाइस ये है हाइजीन बिल्डिंग, जैसे कि हमने बताया वहाँ हाइजीन एंड इकोलॉजी में, इसमें लैंग्वेज क्लास और माइक्रोबायोलॉजी की क्लास, लैटिन क्लास लगती है, तो चलिए अंदर देखते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या है। सिक्योरिटी लॉन बहुत बढ़िया है, ये हाइजीन बिल्डिंग का इनसाइड है, ये देखते हैं जैकेट सबमिट करने का, और ये क्लास साइड लगती है, क्लास भी दिखा देते हैं, इसमें बात क्लास की साइड ये क्लासरूम सारा खाली है, और अगर खुला क्लोज है सॉरी गाइस, तो इसको नहीं बंद करते हैं, आपने देख ही पाया है भाई क्लास दिखा देना कैसी, क्लास सेम ही होती है, मतलब कि छोटी छोटी क्लास होती हैं, जैसे 12-13 बच्चे मैंने बताए थे हर ग्रुप में होते हैं, मैक्सिमम 15-16, लैट्रिन डिपार्टमेंट दिखा दीजिए, ये क्लास है बढ़िया है भाई, साफ सुथरी क्लास है छोटी छोटी, बस ये गाइस ये है लेक्चर हॉल, यहाँ हमारे लेक्चर लगते हैं, यहाँ इकोलॉजी का लेक्चर लगता है, वहाँ माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर, वही बाहर से दिखा देना लेक्चर हॉल बंद है, वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, आपसे दिखा सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो तुम्हारे भाई का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और अगर हमें हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बोलो।